मूवी की शुरुआत में एक आदमी को गाड़ी चलाते हुए दिखाया जाता है। उसका नाम विलियम रहता है और वो अपनी बेटी से बात कर रहा होता है। उसका नाम क्रिस रहता है। फिर उसके भाई को दिखाया जाता है, उसका नाम ओलिवर रहता है। और वो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं और वो एक ग्रुप जैसे काम करते हैं जिसका नाम ब्लैक स्वान रहता है। तभी दिखाया जाता है उन लोगों को एक गाँव खाली कराने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और वो लोग को जो कॉन्ट्रैक्ट देता है उसका नाम जॉर्ज रहता है। वो सरकार के लिए काम करता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो टीम रहती है ब्लैक अस्वान, वो उस गांव के सारे आदमी और लड़के को मार देते हैं और औरतों को छोड़ देते हैं, पर उनमें से एक लड़की उनका वीडियो बना लेती है उसके गांव वालों को मारते हुए ग्रेस की। तभी सीन शिफ्ट होता है और एक आदमी को आते हुए दिखाया जाता है, उसका नाम टॉम रहता है। वो अपने घर आता है अपनी दादी की रिंग लेने के लिए क्योंकि उसे अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना होता है और वो रिंग उसे मिल जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है ब्लैक अस्वान पे रेड नोटिस जारी होती है उस वीडियो के वायरल होने पे, जिसमें ग्रेस गांव वालों को मारते हुए दिखाई जाती है। उसके बाद एक आदमी को दिखाया जाता है, वो उनका पीएम रहता है और वो ब्लैक स्वान को अपने रास्ते से हटाने के लिए कहता है आदमियों को वीडियो वायरल होने। उसके बाद टॉम को दिखाया जाता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास पहुंचकर उसे पेरिस जाने के लिए सरप्राइज देता है और हग करता है। तभी एक मैसेज आने के कारण वो वहां से चला जाता है और फिर ग्रेस को दिखाया जाता है। वो एक घर में जाती और अपने डैड से मिल के कहती है खबर पक्की है हम पे हमला होने वाला। तब विलियम कहता है ये हमारा घर है यूके, हम नहीं जाएंगे। तब ग्रेस कहती अगर वो हमला करेंगे तब हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे। फिर टॉम को उसी घर में आते हुए दिखाया जाता है एक बहाने के साथ, वो एक कंपटीशन के लिए इस घर को लिस्टेड करना चाहता है उसके डेकोरेशन के हिसाब से। पर जो ब्लैक स्वान की गार्ड रहती है वो टॉम से कहती है नहीं हमें नहीं कराना, और जब वो पीछे मुड़ती है तभी टॉम उसे एक इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है और तभी फायरिंग स्टार्ट होती है। दूसरी तरफ टॉम अपने कमांडर को इन्फॉर्म कर रहा होता है रास्ता क्लियर है, और तभी टॉम के साथी भी आ जाते हैं और उसे दे सब अंदर घुसते हैं, पर वहाँ उन्हें से विलियम मिलता है। तभी टॉम विलियम से पूछता है कहाँ है ग्रेस, तो विलियम कहता है वो ऊपर तैयार हो रही है। तब उसके बाद टॉम अपने दोस्त स्मिथ के साथ जाता है, पर वहाँ एक दूसरी लेडी रहती है और वो ग्रेनेड लेके उसके सामने आती है। तभी टॉम उसे गोली मार देता है, पर ग्रेनेड का पिन निकला होने के कारण वो विंडो से कूद जाते हैं और दूसरी तरफ उनका उस मिशन का इंचार्ज विलियम से बात करता है और उसे गोली मार देता है। उसके बाद टॉम और स्मिथ को उठते हुए दिखाया जाता है, वैसे ही उनका मेजर आ जाता है, उसका नाम बिस्त रहता है। वो उन लोगों को कहता है मैंने मना किया था गोली चलाने के लिए, फिर क्यों चलाए। तब टॉम कहता है उसने ग्रेनेड हाथ में लिया था और वो ग्रेस नहीं थी। फिर बिस्त वहां से चला जाता है और फिर टॉम स्मिथ को बात करते हुए दिखाया जाता है, जहां टॉम कहता है स्मिथ से कि वो पेरिस ले जा रहा है अपनी गर्लफ्रेंड को। उसके बाद टॉम की गर्लफ्रेंड को उसका चोट साफ करते हुए दिखाया जाता है, उसका नाम सोफी रहता है। वहां दोनों में बात होती है और शाम में ट्रेन से पेरिस जाने की भी बात होती है। फिर दोनों को रेलवे स्टेशन पे दिखाया जाता है जहाँ वो लोग ट्रेन में बैठते हैं, और तभी दूसरी तरफ ग्रेस को भी दिखाया जाता है। वो चेहरा बदल के आती है और ट्रेन में उसे उतार रही होती है, तभी एक टीटी आता है पर उसे मार देती है और जाने लगती है। पर वो टॉम को दिख जाती है जब टॉम वॉशरूम जाने के लिए आ रहा होता है। उसके बाद टॉम अपने फ्रेंड स्मिथ को कॉल करता है कि ग्रेस इस ट्रेन पे है। तब उसके बाद स्मिथ अपने मेजर से बात करता है, पर वो कोई एक्शन लेने से मना करता है टॉम को, और ये बात स्मिथ टॉम को बताता है। तो टॉम कहता है कि वो अपने स्तर पे पता लगाएगा। उसके बाद ग्रेस को एक मैसेज आते हुए दिखाया जाता है कि वो ट्रेन पे देखी गई, और ग्रेस ट्रेन के पायलट को मार उसे रोक देती और सारे लोग थोड़ा सा शॉक झेलते हैं ट्रेन को रोकने पे। उसके बाद ग्रेस उस ट्रेन से उतरकर एक इमरजेंसी टनल में जाती है जहाँ उसके साथी सारे गन और इक्विपमेंट के साथ आते हैं और वो सब उस ट्रेन को हाईजैक करने की तैयारी करने लगते हैं। दूसरी तरफ टॉम भी ग्रेस का पीछा कर जब पायलट के केबिन में पहुंचता है तो उसे मरा देख वो भी वहां से उतर कर ग्रेस का पीछा करता है और ये सब देख रहा होता है, और ग्रेस के एक आदमी को मार फिर से ट्रेन पे चढ़ जाता है और ग्रेस भी अपने भाई सहित उसका पीछा करती और अपने आदमी को कहती है टॉम को ढूंढ कर मारने के लिए। और टॉम भी सोफी के पास जाते रहता है, उतने ही में वो लोग ट्रेन पे आते हैं और सबको हाथ ऊपर करने के लिए कहते हैं, और टॉम भी एक जगह बैठ हाथ ऊपर करता है। और जब वो आदमी दूसरी तरफ मुड़ता है तभी टॉम वहां के विंडो से बाहर निकल जाता है और चुपचाप से सबकी फोटो
लेता है अपने सेलफोन से और स्मिथ को भेजता है। उसके बाद स्मिथ को अपने मेजर को वो फोटो दिखाते हुए दिखाया जाता है, पर वो कहता है ये फोटो मुझे भेजो, और स्मिथ को बाहर जाने के लिए कहता है, पर ये भी कहता है कि टॉम को कहो वहाँ से बाहर निकल जाए। और जब स्मिथ टॉम को ये सब बताता है तो टॉम कहता है मैं यहाँ से नहीं जा सकता। दूसरी तरफ सोफी अपने बगल में बैठे एक लेडी की नर्स चेक कर रही होती है, पर वो मर चुकी होती है। उसके बाद ग्रेस के ग्रुप के लोगों को दिखाया जाता है, वो वहाँ के सारे इमरजेंसी डोर लॉक कर रही होती है करके, और फिर उन्हें ऊपर की ओर ड्रिल करते हुए दिखाया जाता है। दूसरी तरफ एज टीम भी निकल रही होती है ग्रेस को काउंटर करने के लिए। उतने में ग्रेस को फिर किसी का टेक्स्ट आता है, वही फोटो भेज रहा होता है जो टॉम ने खींचे होते हैं। तभी ग्रेस का भाई ऑलिवर आता है, तो ग्रेस टॉम को ढूंढने के लिए कहती है और जाना को सबका फोन लेने के लिए कहती है, और ये भी कहती है अगर कोई ना दे तो उसे मार डालो। उसके बाद सोफी दूसरे का फोन देते हुए दिखाया जाता है, वो अपना फोन जूते में छुपा लेती है। उसके बाद यूके के पीएम को जॉर्ज से बात करते हुए दिखाया जाता है, जहां जॉर्ज पीएम से पूछता है कि अब वो क्या करेगा, क्योंकि ग्रेस ने जो ट्रेन को रोका है वो अभी भी यूके की धरती पे ही है और हमें कुछ तो करना होगा। तब पीएम जॉर्ज को कार्रवाई करने के लिए परमिशन देता है, और दूसरी तरफ ग्रेस को एक आदमी को गोली मारते हुए दिखाया जाता है क्योंकि उसके पास उसका फोन नहीं रहता। तभी एक बच्ची को घायल देख अपने साथियों से कहती है कोई डॉक्टर है ट्रेन में जाके ढूंढो। उसके बाद सोफी को उन लोगों के साथ आते हुए दिखाया जाता है, जहां सोफी उस लड़की को लेके एक वॉशरूम में जाती है उसके फर्स्ट एड करने के लिए। उस विशेष टीम को रेस्क्यू के लिए पहुंचते हुए दिखाया जाता है, पर इमरजेंसी टनल का गेट पहले से उन लोगों ने बंद कर रखा होता है। तभी वो लोग वहीं अपना सेटअप करते और जॉर्ज को आके चार्ज लेते हुए दिखाया जाता है। तभी जॉर्ज बिस्ट से बहस होती है कि बिस्ट कहता है हॉस्टेज की सुरक्षा और जॉर्ज कहता है ग्रेस को मारने के लिए। तभी एक टीम जॉर्ज भेजता है ट्रेन के लिए, जिसे स्मिथ लीड कर रहा होता है। फिर दिखाया जाता है सोफी उस बच्चे की फर्स्ट एड कर रही होती है। उतने में टॉम नाइफ से स्क्रू खोल लेता है टॉयलेट सेट का और कहता है सोफी को आने के लिए, पर सोफी मना कर देती है कि उसे ट्रेन में जख्मी लोगों का इलाज करना है, और कहती उस बच्ची को लेके चले जाने के लिए। तब टॉम उसे वहां से निकाल लेता है। तभी वो लोग वॉशरूम का डोर तोड़ अंदर आते हैं और देखते हैं कि बच्ची नहीं रहती और सोफी वहां बेहोश रहती, तो फायरिंग करते हैं। दूसरी तरफ स्मिथ अपने साथियों के साथ ट्रेन के पास पहुंच जाता है, पर वहाँ फायरिंग होने के कारण वो अपने साथियों के साथ निकल जाता है। उसके बाद टॉम को उसी बच्चे के साथ दिखाया जाता है, वो ग्रेस के साथियों से छुप के उसे लेके जा रहा होता है। और तभी स्मिथ को भी अपने मेजर के पास पहुंचते हुए दिखाया जाता है, और स्मिथ कहता है उन लोगों को पता था हम आ रहे हैं। उसके बाद ग्रेस के भाई को टॉम को खोजते हुए दिखाया जाता है, पर टॉम उस बच्चे के साथ ट्रेन के ऊपर रहता है। और जब ऑलिवर वहां से चला जाता है तब टॉम कहता है उस बच्चे से कि वो उन लोगों का ध्यान बचाएगा और उसे भागने के लिए कहता है सीधा। तभी ग्रेस को मेजर और जॉर्ज को कॉल करते दिखाया जाता है, जहां ग्रेस 500 मिलियन यूरोस की मांग करती है, पर मेजर कहता है हम क्यों दे तुम्हें 500 मिलियन। तब ग्रेस कहती है इसलिए क्योंकि सरकार ने सैस को हायर किया था हम लोगों को हायर करने के लिए, ये इसकी पेनल्टी है। उसके बाद जब मेजर 100 होस्टेज को छोड़ने के लिए कहता है तब ग्रेस कहती है मंजूर है, पर तुम दोनों को आके उन्हें ले जाना होगा। तब मेजर और जॉर्ज एग्री हो जाते हैं, और दूसरी तरफ टॉम उन लोगों का ध्यान बताता है और वो बच्ची वहां से भाग लेती है। और ऑलिवर जैसे ही आता है तो टॉम उसे धक्का देकर वहां से भाग जाता है, पर एक गोली उसके पीछे लग जाती है। तभी ग्रेस आती है तो ऑलिवर कहता है बच्ची भाग गई, पर टॉम घायल हो गया। फिर उस बच्ची का ट्रीटमेंट होते दिखाया जाता है, वही मेजर भी रहता है जो जाने से पहले स्मिथ को वहां का कमांड सौंप रहा होता है। उसके बाद टॉम को ग्रेस के आदमी को मारते हुए दिखाया जाता है और जाके उस ट्रक से कुछ सामान यूज करता है अपने गोली लगे जगह पे घाव के लिए। वैसे ही ग्रेस के दूसरे आदमी आते हैं और बात करते हैं किसी रास्ते की, तो टॉम उसका पीछा करता है। फिर वैसे ही जॉर्ज और बिशेट को ग्रेस के पास दिखाया जाता है, जहां वो बिशेट को मार देती और जॉर्ज से डील करती है कि उसे 500 मिलियन दिलवाए, और ये सब ग्रेस ज्यादा से रिकॉर्ड भी करवा रही होती है। उसके बाद फिर टॉम को पता चलता है कि वो लोग एक गैस पाइपलाइन पे बॉम्ब सेट कर होते हैं जिसे कि बंद नहीं करा जा सकता है। फिर टॉम और उनमें फाइट होती है और वो दोनों एक फैन वाले वेंटिलेशन में गिर जाते हैं, जिससे कि ग्रेस का आदमी मर जाता है। फिर स्मिथ को टॉम को कॉल आते हुए दिखाया जाता है और टॉम उसे पाइपलाइन के बारे में बताता है। उसके बाद टॉम का कॉल कट कर स्मिथ को ग्रेस से बात करते हुए दिखाया जाता है, जहां स्मिथ ग्रेस से पूछता है पाइपलाइन के बारे में बात नहीं हुई थी। तब हमें पता चलता है कि स्मिथ ग्रेस से मिला हुआ है और ये वही है जो ग्रेस को सारी मैसेज लीक कर रहा होता है।
है। उसके बाद ग्रेस स्मिथ को धमकी देती है टॉम को मारने के लिए, पर स्मिथ मना करता है। तो वो उसका नाम पूछती है, तो स्मिथ टॉम का नाम बताता है और ये भी कि उसकी गर्लफ्रेंड उसी ट्रेन में है। उसके बाद टॉम को दिखाया जाता है जहाँ टॉम को भी चोट आता है और टॉम वहाँ से निकलता है और पहुँचता है एक वायर वाले रैक पे। उसके नीचे ओलिवर रहता है जो टॉम को ढूंढ रहा होता है, तभी टॉम उसे मारता है और फिर सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि टॉम ओलिवर को अपने गन पॉइंट पर रख ग्रेस के सामने खड़ा करता और ग्रेस सोफिया पे गन पॉइंट कर खड़ा रहती और दोनों बात होती है दोनों को छोड़ने की, पर दोनों तैयार नहीं होते हैं। पर वैसे ही ग्रेस टॉम पे गोली चलाती है तो टॉम भी ओलिवर पे चलाता है और सोफी को कहता है वहां से भाग जाने के लिए। और जब टॉम की गोली खत्म होती है तो वो एक गैस सिलेंडर उठाकर फेंकता है जिससे कि धमाका होता है। और तभी स्मिथ को ग्रेस का कॉल आता है और कहती है अगर कोई चालाकी की तो पूरे ट्रेन को उड़ा दूंगी। फिर ग्रेस को अपने भाई के साथ दिखाया जाता है और वो अभी टॉम को ढूंढ रहे होते हैं। उसके बाद स्मिथ को टनल के बाहर दिखाया जाता है जहाँ वो अपने लोगों से कह रहा होता है तैयार रहने के लिए, क्योंकि पैसा आने के बाद ग्रेस ट्रेन को छोड़ने वाली रहती है इसलिए स्नाइपर तैनात किए होते हैं। पर हमें देखने को मिलता है कि ट्रेन में सिर्फ ग्रेस के लोग रहते हैं और ग्रेस सोफिया और ओलिवर के साथ उसी पाइपलाइन के पास जाती है मास्क पहन के और पाइप का एक स्ट्रक्चर खोल उसके सहारे जाने का प्लान रहता है। पर वैसे ही टॉम की आवाज सुन ओलिवर कहता है ग्रेस वहां से जाने की, वो टॉम को रोक के रखेगा। तभी टॉम आता है मास्क पहन और ओलिवर से फाइट करता और उसका मास्क खोल देता है जिससे कि वो उस गैस से मर जाता है। फिर बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां ट्रेन टनल से बाहर आती है और उसी वक्त जॉर्ज स्मिथ से कहता है कि ग्रेस को मार दो। और जब ट्रेन से ग्रेस के लोग हॉस्टेज के साथ उतरते हैं तो सैस टीम उन्हें पहचान कर एक साथ स्नाइपर की मदद से मार देते हैं। उसके बाद ग्रेस को फ्रांस में पहुंचते हुए दिखाया जाता है जहाँ वो सोफिया के साथ बाहर आती है और वैसे ही टॉम भी आ जाता है। तो ग्रेस सोफिया को पकड़ बोलती है तुम्हें पता है मैं क्या कर सकती हूँ। तब टॉम कहता है तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए हैं उससे जाने दो। तब ग्रेस कहती है एक आखिरी काम बाकी और फिर ग्रेस उस बॉम्ब को एक्टिवेट कर ब्लास्ट कर देती है और तभी टॉम और ग्रेस सब उसके शॉक से फेंका जाते हैं। और दूसरी तरफ उसी ब्लास्ट से एक हेलीकॉप्टर सीधा इसमें जहाँ रहता है वहाँ गिरता है। फिर ग्रेस टॉम को धीमा करने के लिए सोफी को नाइफ से मारती है उसके लेग पे और भाग जाती है। और जब टॉम उसके पास जाता है तो सोफी कहती है उसे मार डालो। फिर हमें दिखाया जाता है स्मिथ और जॉर्ज बचते हैं पर घायल रहते हैं और एक दूसरे को मारने की धमकी देते हैं और स्मिथ वहां से भाग जाता है। उसके बाद पीएम को मीटिंग में दिखाया जाता है जहां वो लोग ग्रेस के बनाए वीडियो को देख रहे होते हैं न्यूज चैनल पे कैसे सरकार ने प्रोजेक्ट के लिए ग्रेस को इस्तेमाल किया है। फिर दिखाया जाता है टॉम ग्रेस का पीछा करता है और एक जगह पे पकड़ लेता है और दोनों में फाइट होती है। तभी टॉम ग्रेस को एक गाड़ी पे डे मारता है जिससे कि वो अंदर जा गिरती है। तब ग्रेस उसे ऑफर देती है पर टॉम ग्रेस के गले नाइफ घोप देता है और ग्रेस वहीं मर जाती है। उसके बाद टॉम को पेरिस में सोफी के साथ दिखाया जाता है जहां वो सोफी को प्रपोज करता और फिर शादी भी करता है। टॉम को एक कॉल आता है स्मिथ के मिलने का और तभी टॉम सोफी से कहता है मुझे जाना होगा। तब सोफी कहती है मार डालो उसे और मूवी का द एंड हो जाता है।